तो ये CFL का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें सबसे पहला काम क्या करना होगा, हेलिक्स क्रिएशन स्टार्ट करना होगा। तो कैटी में हेलिक्स बनाने के लिए हम यहाँ से चलते हैं वायर फ्रेम एंड सरफेस डिजाइन में, हाइब्रिड डिजाइन को हमने एनेबल किया, ओके किया। अब क्या कर रहे हैं, हमें हेलिक्स बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या करना होता है, आपको एक पॉइंट देना होता है जिस पॉइंट से आप अपना हेलिकल स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ सरफेस पे क्लिक करता हूँ मैं, स्केच पे गया इस वाले सरफेस के ऊपर। यहाँ पे आप देखोगे तो प्रोफाइल टूल बार के अंदर ऑप्शन होता है पॉइंट का, हमने पॉइंट को क्लिक करके यहाँ पे दे दिया। डिस्टेंस यहाँ से दे देते हैं हम 20 का, हमने 20 डिस्टेंस दे दिया। अब एग्जिट किया। अब इस पॉइंट से हमें क्या करना बनाना है, अपना एक हेलिक्स क्रिएट करना है। तो हेलिक्स क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आप देखोगे तो आपके प्रोफाइल बार पे सरफेस के यहाँ पे वायर फ्रेम वाले में कुछ अलग से एडिशनल टूल आपको देखने को मिलते हैं। इसमें आप यहाँ पे लास्ट वाले टूल पे जाएंगे जिस पे स्प्लाइन लिखा हुआ है, तो आप देखोगे इसमें नीचे ऑप्शन दे रखा है हमें हेलिक्स क्रिएशन का। तो हमने क्या करना है, पॉइंट तो हमारे पास आ रहा है, हेलिक्स पे जाके क्लिक करेंगे, पॉइंट स्टार्ट पॉइंट उसके मिल गया है। अब नेक्स्ट क्या चीज़ बतानी है, हेलिक्स की डायरेक्शन बतानी है, किस डायरेक्शन में हम बनाना चाहते हैं। अगर आपके पास कोई एक्सेस है आप दे सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ से राइट क्लिक करके हमें जो पर्टिकुलरली क्रिएट करना है उसको जेड एक्सेस में क्रिएट करना है, हमने जेड एक्सेस क्लिक कर दिया। अब जेड एक्सेस क्लिक करने के बाद नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे आपकी पिच वैल्यू है और हाइट है, दो चीज़ें पूछता है। ठीक है, पिच वैल्यू यानी कि एक कंप्लीट 360 डिग्री का रेवोल्यूशन कितने हाइट पे, वर्टिकल हाइट पे कवर होगा, वो पिच कहलाती है उसकी। सो मैं यहाँ से पिच दे देता हूँ 20 की। अब हाइट 10 है तो आप देख सकते हो 180 डिग्री का रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है ये अभी। तो मैं टोटल हाइट दे देता हूँ 20, ताकि एक कंप्लीट 360 रेवोल्यूशन इसका आ जाए, जबकि आप यहाँ पे देख सकते हो। इतना करने के बाद हमने ओरिएंटेशन इसकी क्लॉकवाइज रहने दी है, बाकी किसी और पैरामीटर में कोई चेंजेस नहीं करे। इतना करने के बाद हमने इसको कर दिया ओके। तो आप देखो एक हेलिकल स्ट्रक्चर तैयार हो गया हमारा। ठीक, अगर हम इमेज को देखें तो यहाँ पे क्या होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, एक हेलिकल स्ट्रक्चर इधर से आ रहा है, दूसरा अपोजिट साइड से आ रहा है। सो उसके लिए क्या करना होगा, वापस से हमें टॉप प्लेन पे स्केच पे जाना होगा, हम एक सेकेंड पॉइंट जनरेट करते हैं साइड में, इसको भी डिफाइन कर देते हैं हम डिस्टेंस 20 की। एग्जिट किया, यहां से एक दूसरा हेलिकल स्ट्रक्चर तैयार किया, रेफ एक्सेस ऑफ डायरेक्शन जेड एक्सेस दिया, पिच 20 का दिया, हाइट इसकी भी सेम 20 दे दी, और सारे पैरामीटर सब सेम रखे। इतना करने के बाद हमने ओके कर दिया। तो आप देखो एक डबल हेलिकल स्ट्रिंग टाइप का हमारा रेडी हो गया या नहीं। यस सर, हो गया। ठीक, लेकिन अभी ये हेलिक्स ऊपर से कनेक्टेड है या ओपन है? ओपन अगर मैं CFL लाइट को देखूं तो ऊपर से उसको क्या होना चाहिए, कनेक्टेड होगी या नहीं होगी वो, है ना? ऊपर से उसको कनेक्टेड होना चाहिए। सो कनेक्ट कनेक्शंस के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास टूल दिया होता है, आप देखोगे सर्किल का, इसी में नीचे ऑप्शन होता है आपके पास सबसे बॉटम पे, पढ़िए क्या लिखा हुआ है, कनेक्ट कनेक्ट कर्व। हम इसका यूज करेंगे अपने दोनों कर्व्स को ज्वाइन करने के लिए। तो हमने कनेक्ट कर्व पे गए, कनेक्ट कर्व में टाइप में नॉर्मल लगा हुआ है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट कर्व की डेफिनेशन बतानी है। फर्स्ट कर्व का पॉइंट बताया आपने, फर्स्ट कर्व बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट कर्व पे गए, इसका पॉइंट बताया, कर्व आ गया। अभी ये डायरेक्शन देखोगे आप तो दोनों में सेम डायरेक्शन ले रहा है। मुझे इसको एक स्प्लाइन एस कर्व से कनेक्ट करना है, तो मुझे इसकी डायरेक्शन जो है इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से रिवर्स करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हो क्या ये प्रॉपर आ रहा है या नहीं। अब अगर मैं इसके कर्वेचर को और ज्यादा बढ़ाना चाहता हूँ तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से टेंशन को बढ़ा सकते हैं, हमने इसको 2 कर दिया और बॉटम वाले को भी 2 कर दिया। तो अब देखो ये एस कर्व थोड़ा सा एक्सपेंड होके आ जाएगा, जैसे पहले बिल्कुल शार्प होके आ रहा था, अब थोड़ा सा एक्सपेंड होके आ जाएगा। आप इस तरीके से यहाँ से इसकी पॉइंटर्स की वैल्यू को बढ़ा भी सकते हो, जिससे कि कर्व में शार्पनेस खत्म हो जाए। ठीक है, अब ज्वाइंट तो हो गया कर्व या नहीं हुआ। यस ठीक है, हमने इसको ओके कर दिया।
डन। अब ये ऊपर का स्ट्रक्चर तो तैयार हो गया, लेकिन नीचे क्या है, नीचे भी तो बेंड देना है हमें। जैसे सीएफएल में यहाँ पे बेंड आ रहा है, सो वो बेंड देने के लिए हम क्या करते हैं, आपको सिंपल क्या करना है, बेंड के लिए मैं इस प्लेन को पहले ऑफसेट करता हूँ इस पॉइंट पे। ओके किया। अब इस प्लेन के ऊपर मैं स्केच पे गया और यहां से एक स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ हमने खींच ली। अब इसको डायमेंशन डिफाइन करते हैं। मैंने 15 दे दिए, आपकी चॉइस है आप कितनी भी डायमेंशन दे सकते हो। अब यहाँ पे इसका कनेक्शन जो आ रहा है वो आप देख सकते हो, एक शार्प कनेक्शन है या एक स्मूथ कर्वेचर कनेक्शन हो रहा है, तो शार्प कनेक्शन है, करेक्ट। बट ऊपर जो है, जैसे स्मूथ कनेक्शन ऊपर हुआ है, वैसी कनेक्शन हमें यहाँ पे भी देना होगा या नहीं? अगर मैं सर सीएफएल का शेप देखता हूँ तो आप देखोगे तो सीएफएल में यहाँ बिल्कुल स्मूथ राउंड आ रहा है, ये दिख रहा है ना, ये है सर ना, वो चीज हमारे में इसमें नहीं आ पा रही। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कनेक्ट कर्व के ऊपर एक ऑप्शन होता है कॉर्नर, दिख रहा है, सर हम कॉर्नर टूल यस पे जाते हैं। कॉर्नर टूल पे जाने के बाद आप अभी कोई चीज सेलेक्ट नहीं है, कॉर्नर टूल पे गए, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉर्नर और सपोर्ट और 3D कॉर्नर। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ से 3D कॉर्नर को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हम 3D कॉर्नर को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे एलिमेंट पूछेगा, आपको यहाँ पे एलिमेंट बताने किन किन के रेस्पेक्ट में आपको कॉर्नर लग देना है। तो पहले फर्स्ट मैंने ये वाला कर्व दिया, सेकेंड कर्व मैंने ये वाला दिया, आप इसको क्लोज कर दो, एरर देगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे रेडियस लिख के आ रहा है, आप यहाँ से रेडियस बढ़ा सकते हो। मैंने 10 का रेडियस दिया अभी और साइड में क्लिक किया। सो आप देख सकते हो यहाँ पे इस टाइप का कर्व आ रहा है। अब इसमें दो ऑप्शन आपको दे रहा है, वो या तो यहाँ कनेक्ट करेगा या यहाँ पे कनेक्ट करेगा। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट सॉल्यूशन के लिए इस चेक कर सकते हो, जो ऑरेंज है वो वाला सॉल्यूशन अभी टेम्परेरी दिखा रहा है। हम इसको ओके करने से पहले एक ऑप्शन और पढ़ते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है ट्रिम एलिमेंट। ट्रिम एलिमेंट्स को आपको ऑन कर लेना है। अगर आपने इसको ऑफ कर रखा और आप प्रीव्यू चेक करोगे तो देखो कॉर्नर, ओके करता हूँ मैं, कॉर्नर तो आ जाएगा बन के, लेकिन ये कर्व पूरा आगे जा रहा है। हम चाह रहे थे ये कर्व यहीं से बैंडो के नीचे चला जाता। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा, कॉर्नर ट्रीटमेंट में ट्रिम कॉर्नर ट्रिम ऑप्शन को ऑन करना होगा। तो मैं वापस से कॉर्नर ऑप्शन वापस से अगेन अटैच करना पड़ेगा मुझे, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। कॉर्नर टूल पे गए, 3D कॉर्नर पे गए, फर्स्ट कर्व को सिलेक्ट किया, सेकंड कर्व को सिलेक्ट किया एंड ट्रिम एलिमेंट्स को ऑन कर दिया और ओके कर दिया। तो आप देखो इस कॉर्नर पे राउंड आ गया। सेम चीज यस दूसरे वाले पे करते हैं, उसके लिए वाले प्लेन को ऑफसेट किया हमने इस पॉइंट पे। अब इस प्लेन पे स्केच पे गए हम मिरर भी मास तो कर सकते थे सर, जी, इजीली हो जाता। क्या चीज मिरर कर सकते थे ना? मिरर, आपका स्केच के अंदर के लिए कन्वर्ट करना पड़ता था ना प्रोजेक्ट? नहीं, हमने जैसे वहां पे लाइन बनाई ना, हम वैसे उसे मिरर कर सकते थे ना, प्लेन के अकॉर्डिंग, प्लेन के रिस्पेक्ट में। फीचर मिरर होता है, वायर फ्रेम तो मिरर नहीं होता ना। सो हमें वापस से क्या करना पड़ेगा, कॉर्नर टूल फिर से लगाना पड़ेगा। ट्रिम कॉर्नर लगा हुआ है, ठीक आ रहा है, आपने ओके कर देना है। अब आप देखो हमारा ये स्ट्रक्चर तैयार हो गया। हो गया, यस सर अब हमने क्या करना है इसके बाद, हाँ जी, सो लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो हॉलो होता है, लाइक जो हमने एरेकल शेप बनाया है जी। सो पहले क्या करेंगे, एक वो प्लेन हम बनाते हैं नीचे, इस पे स्केच पे जाते हैं। इसमें वेब कमांड लगेगा शायद। स्लॉट, हाँ, रिब रिब, करेक्ट, हमने सर्किल के डाया को डिफाइन कर दिया। सपोज 10 इस पॉइंट को इस पॉइंट पे कोइंसाइड कर दिया, डाया को रिड्यूस कर देते हैं, हम 7.5 ले लेते हैं। एग्जिट किया,
हमने इसको किसके ऊपर फॉलो करवाना है, इस पूरे पे फॉलो करवाना है या नहीं? सर, यस सर। हेलो। हाँ यस सर। हाँ सर, मैं अभी क्लास में हूँ, मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ। ठीक है, अब इसके बाद हमें इसको फॉलो ही तो करवाना है ना। यस सर सो स्केच सेलेक्ट किया हमने, ठीक। फॉलो करवाने के लिए यहाँ पे हमारे पास सरफेस में टूल जो होता है, इसको हम कहते हैं स्वीप। स्वीप। आप स्वीप पे जाओगे, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आपके पास स्वीप में मल्टीपल ऑप्शन हैं, जिनको हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। विद रेफरेंस सरफेस, विद पुलिंग डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे टाइप्स हैं इसके अलग अलग। सर्कुलर स्वीप पे जाओगे आप तो सर्कल को बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप खाली सेंटर एंड रेडियस वाले फीचर से जाके कर सकते हो। आपने एलिमेंट को सेलेक्ट करना है, रेडियस यहाँ पे बताना है। रेडियस सपोज मैं देता हूँ यहाँ से 7.5, सेंटर का हमने दिया ये वाला, और प्रीव्यू चेक किया। ओके, रिड्यूस करते हैं 5। सो देखिए 7.5 का डायमीटर बड़ा था, उसमें कहीं ना कहीं आपस में इंटरसेक्शन हो जाता, इस वजह से 5 में सर बिल्कुल। कैन यू प्लीज रिपीट। ओके, 1 सेकेंड। देखो, अगर हम स्लॉट फीचर देते तो स्लॉट फीचर में हमें स्केच तैयार करना पड़ता पहले, और स्केच तैयार करने के बाद यहाँ से फीचर में जाके हमें स्लॉट देना पड़ता, करेक्ट। ठीक है, वो सारी चीजें ना करना पड़े तो आप सरफेस में डायरेक्ट क्या कर सकते हो। हमने ये 3D कर्व तो बना दिया पूरा, इसी कर्व को हमें क्या करना है, एक सर्कुलर प्रोफाइल देनी है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट स्वीप कमांड पे जा सकते हैं, जो कि रिब का ही एडवांस फीचर है जिसको सरफेस में हम यूज करते हैं। स्वीप फीचर पे गए, स्वीप में यहाँ पे प्रोफाइल टाइप्स दी हुई है आपको अलग अलग, ठीक है। लाइन, सर्किल, कॉनिक, यहाँ से हमें कैसी चाहिए प्रोफाइल, सर्कुलर, तो हमने यहाँ पे सर्कल पे क्लिक किया, कर दिया। सर्कल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सब टाइप सर्कल का क्या क्या चीज़ दे रखी है आपको, क्या आपको सर्कल के 3 पॉइंट दे रखे हैं, 2 गाइड्स एंड रेडियस है, ठीक है, सेंटर एंड 2 एंगल है, सेंटर एंड रेडियस है, वो डिफाइनिंग के लिए पूछेगा। तो मुझे सेंटर कर्व तो यहीं पर देना है इस पर, और क्या देना है, रेडियस देना है। तो मैं सेंटर कर्व एंड रेडियस पे चला जाता हूँ। रेडियस यहाँ से आप बताओगे, क्योंकि 20 की पिच रखी थी और उसी पिच पे 2 हेलिक्स आ रहे हैं, तो एक हेलिक्स से दूसरे हेलिक्स का टोटल गैप 10 का हो गया। अब अगर मैं 10 का रेडियस का सर्किल लेता हूँ तो वो 10 ऊपर जाएगा और 10 नीचे जाएगा, जिसकी वजह से आपस में इंटरसेक्शन होगा, इसलिए हमें 10 से कम देना होगा, ठीक है। एकदम टच करता हुआ आएगा 10 पे। आप देखो 10 रखा, सेंटर कर्व हमने ये वाला दिया। अब मैं प्रीव्यू कर रहा हूँ, हमने इसको 5 दिया। अब देखो आप, ये बिल्कुल एक दूसरे से पॉइंट ऑन पॉइंट टच करके आ रहा है, ठीक है। सो अगर मुझे हल्का सा थोड़ा बहुत गैपिंग चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कम कर देते हैं। अब देखो आप, आ रहा गैप, था ठीक है। सो ये चीज आप कर सकते हो, इतना करने का आपने ओके करना है। कर्व को हम हाइड कर देते हैं, कर्व की जरूरत नहीं है। सरफेस आपके पास तैयार हो गया है, अब इस सरफेस को हमें क्या देना है, थिकनेस देनी है। तो मशीन डिजाइन में, पार्ट डिजाइन में जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन होता है हमें थिक सरफेस का, थिक सरफेस में जाएंगे, सरफेस को सेलेक्ट किया, रिवर्स डायरेक्शन, क्योंकि हमें डायरेक्शन को इनवर्ड रखना है, तो डायरेक्शन इनवर्ड रखी है हमने। थिकनेस बताई जितनी थिकनेस चाहिए, और ओके कर दिया। सरफेस आ रहा है, सरफेस को आप यहाँ से राइट क्लिक करके हाइड कर दो। तो देखो आप, एक हेलिकल स्ट्रक्चर तैयार हो गया हमारा, सर। ठीक है। बाकी नीचे का शेप तो आप रिवॉल्व करके बना सकते हो इजीली, या नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैटिया में सरफेस मॉड्यूल को यूज कर सकते हैं इजीली, अपने 3D स्ट्रक्चर को, जैसे कि ये है बेंड शेप है,
इनको बनाने के लिए। क्लियर है? ठीक है, सो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अपना माउस का जो एलिमेंट है वो बनाना स्टार्ट करेंगे। तब तक प्लीज इतनी की प्रैक्टिस आप लोग जरूर कर लिएगा, क्योंकि इनकी ये टूल्स और इनके थोड़े से एडवांस फीचर हम उसमें यूज करेंगे। ठीक है, बॉल बनाने वाला फीचर जो उसका एक एडवांस लेवल है वो, और स्वीप कमांड इनका यूज रहेगा हमारा। ठीक है, सर, नेक्स्ट क्लास कल है, कब मंडे रखते हैं हम, आपकी क्लास हो गई है। अगर आपको कल रखना है तो आप लोग एक बार ग्रुप में मुझे बता दो किस टाइम फिजिबल है। शाम में मुझे कहीं जाना होगा तो शाम में तो मैं नहीं ले पाऊंगा क्लास। है? कल, क्योंकि सर हम लोग की कल क्लास है, एक्स्ट्रा क्लासेस है कॉलेज अच्छा की, तो ठीक मैंने है, कहा कि अगर कल क्लास होती है तो कितने टाइम पे कर दूंगा। तो कल का रहने देते हैं, परसों परसों मॉर्निंग का रख लेते हैं क्लास का फिर। यस सर, होगा तो फिर कोई डाउट होगा तो आपको बता देंगे, मैं हाँ परसों की रख लेंगे। ठीक है, संडे को मॉर्निंग में रख लेते हैं फिर, अगर कोई डाउट सेशन रखना है तो। ठीक है, कल का ओके लीव सर, कर देते हैं, परसों का रखते हैं। ठीक है सर। ठीक है।